जी, तो मैं ये कह रही थी, इंसान हमेशा कामयाबी को ढूंढता है। हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ, मैं एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारूँ। हर एक की ख्वाहिश होती है ना। तो अब ये सक्सेसफुल लाइफ क्या है? देखो, इसकी आगे वाली जो आयत है ना, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो लोग ईमान लाए, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, ईमान लाए और सॉलेह यानी नेक अमाल किए, तो अल्लाह ताला फरमा रहे उनके लिए जन्नत के ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। सुभान अल्लाह। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हार, तो उनके लिए ऐसे जन्नत के बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये है बड़ी कामयाबी। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? जिस इंसान को जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया, उसके लिए ये है सबसे बड़ी कामयाबी। अब ये कामयाबी कैसे हासिल होगी, वो भी बता दिया है, नेक आमाल करके। जो ईमान लाया और उसने नेक आमाल किए, जब मौज़िन अज़ान देता है तो कहते हैं ना, हय्या अला सलाह, यानी आओ नमाज की तरफ। फिर उसके बाद क्या कहता है मौज़िन, हय्या अलल फलाह, कि आओ कामयाबी की तरफ। सुभान अल्लाह। तो क्या पता चलता है इससे? नमाज में अल्लाह ताला ने कामयाबी रखी है। हम समझते हैं कि दुनियावी ज़िंदगी हमारी खुशहाल कैसे होगी, जब हमारे पास पैसा आएगा और अच्छा ओहदा होगा, बड़ी पोस्ट होगी, उसके बाद हम समझते हैं कि इसमें हमारी कामयाबी है, तो हम कामयाब हो जाएंगे, हम पढ़ लिख कर बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, इसमें हमारी कामयाबी है। लेकिन जब मौज़िन अज़ान पुकारता है, जब कहता है, तो अल्लाह ने क्या कहा, आओ नमाज की तरफ, फिर कहा कि आओ कामयाबी की तरफ। तो असल कामयाबी किस में है? नमाज पढ़ने में। और इस कामयाबी को छोड़कर हम सारी दुनिया की चीज़ों में लग जाते हैं। जो असल चीज़ है उसको छोड़कर हम सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जहाँ से कामयाबी हमको मिलने वाली है, ये तो अल्लाह ने कहा है ना कि कामयाबी किस में है तुम्हारे लिए, नमाज में है, तो उस चीज़ को हम छोड़ दिए और दुनिया की चीज़ों में लग गए, तो कैसे कामयाबी हासिल होगी? इसके आगे वाली आयत में, आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हकीकत ये है कि तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। कितनी डरने वाली आयत है। क्या फरमा रहे अल्लाह ताला, इन्ना बतशा रब्बिक लशदीद, कि तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ जो है वो बड़ी सख्त है, जैसे फिरौन की पकड़ हुई है। हम सब जानते हैं कैसा उसका हश्र हुआ है, और कयामत तक आने वाले इंसान के लिए अल्लाह ताला ने उसको इबरत का निशान बनाया है।